नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। सब ग्रुप पढ़ने पड़े थे कि कोई भी सेट अगर H अपने पास है तब वो G का सब ग्रुप कहलाएगा। कब? ए बी बिलोंगिंग टू H इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H, ठीक है, या ए बी बिलोंगिंग टू H, ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए? ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H, उस केस में क्या बनेगा? ग्रुप बन जाएगा। तो अगर कोई भी सबसेट इस तरह का है H G का, जो खुद भी एक क्या बन जाए? ग्रुप बन जाए, उस केस में उसको अपन क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जो कंडीशन काम में लेते हैं, वन स्टेप टेस्ट, वो आपके सामने है। H को G का सब ग्रुप कहेंगे अगर कोई भी एलिमेंट्स A और B H के लें, A B इनवर्स भी वापस किस में आना चाहिए? H में। सब ग्रुप्स की कुछ पार्टिकुलर फॉर्म्स यहां पर अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो इसमें। लेट या इस तरह से मैं लिख देता हूं, ए सब ग्रुप कैपिटल एन ऑफ ए ग्रुप जी, इट्स सेट टू बी सब ग्रुप, इट्स सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एन जी इक्वल टू जी एन फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बनेगा भाई? एन अगर सब ग्रुप है किसका? जी का। एन इज सब ग्रुप है जी का, तब जी का कोई भी एलिमेंट अगर मैं लूं जी बिलोंगिंग टू एन, उस केस में जी एन क्या कहलाता है? लेफ्ट कोसेट। डिफाइन किए थे अपन ने पहले, क्या कहलाएगा ये? लेफ्ट कोसेट ऑफ एन और क्या लिखते हैं? इन जी। जी के अंदर एन का क्या कहलाता है? ये लेफ्ट कोसेट कहलाता है। इसी तरह से अगर एन जी लिखे अपन, ये क्या कहलाएगा? राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो जी अगर कोई भी एलिमेंट कैपिटल जी का मैं लू, यानी कि जी के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पोंडिंग जो कोसेट्स बनेंगे, उस केस में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो अगर किसी ग्रुप के सारे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स, ठीक है, या कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट जी का आप उठाओगे, लेफ्ट कोसेट बनाया, राइट कोसेट बनाया, बराबर आने चाहिए। कोई दूसरा एलिमेंट उठाओगे कैपिटल जी का, सपोज G1, उसके करस्पोंडिंग लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाओगे, बराबर आने चाहिए। यानी कि हर एक एलिमेंट के करस्पोंडिंग लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर बराबर आ रहे हैं किसी ग्रुप, किसी सब ग्रुप के, ग्रुप जी के अंदर, तब वो सब ग्रुप क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल कहलाएगा अगर हर एक एलिमेंट के करस्पोंडिंग लेफ्ट और राइट कोसेट एन के जी के अंदर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसका मतलब यह है, दैट इज फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू एन लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आर सेम, लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ कैपिटल एन इन जी आर सेम। ठीक है, हर एक जी के लिए लेफ्ट और राइट कोसेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जी का है ना बेटा? अच्छा, यहां एन का गलत लिख दिया, यहां जी आएगा, है ना? फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू जी, क्योंकि जब कोसेट आप बनाते हो, भाई कोसेट कैसे बनाते हो? एच सबसेट किसका लेते हो? जी का, या सब ग्रुप किसका लेते हो? जी का। ये अपने पास होता है एच अगर सब ग्रुप है किसका? जी का। तब कोसेट बनाने के लिए एलिमेंट कहां से लेते हैं? जी से लेते हैं। ए जी का एलिमेंट लेते हैं, फिर कोसेट बनाते हैं। एच ए तो राइट कोसेट, ए एच क्या बना? लेफ्ट कोसेट। एच ए इक्वल टू ए एच होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो गया तो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनेगा,
इसके हर एक एलिमेंट के लिए होना, फॉर ईच ए, यानी ए वन लोगे आप, ए वन के करस्पोंडिंग एच ए वन बनेगा, लेफ्ट कोसेट ए वन एच बनेगा, बराबर आने चाहिए। ए टू के करस्पोंडिंग एच ए टू बनेगा, ए टू एच बनेगा, बराबर आने चाहिए। यानी कि हर एक एलिमेंट के करस्पोंडिंग लेफ्ट और राइट कोसेट के आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तब हम कहेंगे कि कैपिटल एन जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो वो चीज मैंने लिखी है, दैट इज फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ कैपिटल एन इन जी आर सेम। इसको मैं, इफ कैपिटल एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, इफ कैपिटल एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये नोटेशन अपन काम में लेते हैं, ठीक है। अगर ये नोटेशन लगा हुआ है, इसका मतलब एन जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये नोटेशन हो गया एन, और इस तरह का नोटेशन अगर लगा हुआ है, ये नोटेशन, इसका मतलब है एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये शॉर्ट में लिखने का हो गया नोटेशन की फॉर्म में, एन को नॉर्मल सब ग्रुप जी का। एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें अपन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट, एक थ्योरम अपन ने की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, जब अपन कोसेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और इंडेक्स पढ़ रहे थे। तो एक रिजल्ट मैंने वहां पर किया था, इफ इफ एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी, एंड एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू टू, इज इक्वल टू टू, देन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी ए एच इक्वल टू एच ए। अगर आपको ध्यान हो, ये थ्योरम अपन ने जब कोसेट्स अपन पढ़ रहे थे, इंडेक्स जहां डिफाइन किया था, ठीक है, किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स, वहां ये थ्योरम मैंने आपको करवाई थी कि अगर किसी भी सब ग्रुप का ग्रुप के अंदर इंडेक्स दो के बराबर है, तब जी के हर एक एलिमेंट के करस्पोंडिंग जो लेफ्ट और राइट कोसेट्स बनेंगे वो सेम होंगे, ठीक है। आ रही है कि नहीं ध्यान, ये थ्योरम करवाई थी, ठीक है। तो इस रिजल्ट की सहायता से अब ये रिजल्ट लगभग उसी टाइप का हो रहा है ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर भी तो यहां पर क्या बन रहा है, अगर जी का कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो, तब इस एलिमेंट के करस्पोंडिंग लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम हो रहे हैं। कोई दूसरा एलिमेंट लोगे, लेफ्ट और राइट कोसेट सेम बनेंगे। इसका मतलब कैपिटल एच का लेफ्ट और राइट कोसेट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। और कैपिटल एच के हर एक एलिमेंट के करस्पोंडिंग जो अगर लेफ्ट और राइट कोसेट अगर सेम बन रहे हैं, उस केस में हम कहेंगे कि कैपिटल एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब अल्टरनेट डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स जी के अंदर टू आ रहा है, अगर किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स जी के अंदर टू आ रहा है, उस केस में वो सब ग्रुप जी का क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अल्टरनेट डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन, इफ इफ एन इज ए सब ग्रुप, एन इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी, सच दैट, सच दैट इंडेक्स ऑफ एन इन जी इज इक्वल टू टू, देन एन इज कॉल्ड, देन एन इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्योंकि अगर n का g के अंदर इंडेक्स 2 आ रहा है, उस केस में ऊपर जो रिजल्ट है ये अपन ने प्रूव किया था पहले, n के लेफ्ट और राइट कोसेट सेम बनने लगेंगे। तो n के अगर लेफ्ट और राइट कोसेट सेम बनेंगे, तब n क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप को करने का ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया, क्योंकि इंडेक्स आपको पता है कि n का g के अंदर इंडेक्स की क्या होती है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ n, ये आप निकाल रहे हो। अगर ये दो के बराबर आ रहा है,
तब दिस इंप्लाइज एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर इंडेक्स दो के बराबर नहीं है, अगर एन का इंडेक्स जी के अंदर दो के बराबर नहीं है, देन एन मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये चीज ध्यान रहे आपको कि अगर इंडेक्स दो आ रहा है तब तो निश्चित रूप से नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, लेकिन इंडेक्स अगर सपोज तीन आ गया तब, तब ऐसा नहीं है कि भाई दो पर ही बनेगा केवल, इंडेक्स दो के लिए, बाकी के लिए भी बन सकता है, लेकिन दो कंफर्म गारंटी देता है कि अगर इंडेक्स दो आ रहा है उस केस में लेफ्ट और राइट कोसेट सेम होंगे और निश्चित रूप से क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। लेकिन इंडेक्स अगर दो के अलावा आ रहा है तब एन नॉर्मल सब ग्रुप बन भी सकता है और हो सकता है नॉर्मल सब ग्रुप नहीं भी बने, दोनों ही केसेज वहां पर हो सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन अपन ने नॉर्मल सब ग्रुप की यहां पर देखिए, ठीक है। एक तो सिंपल कोसेंट, लेफ्ट कोई भी अगर सब ग्रुप है उसके कोसेट्स निकाल कर देख लीजिए आप, अगर उसके सारे लेफ्ट और राइट कोसेट सेम आ रहे इसका मतलब वो क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। या फिर आप सीधा इंडेक्स निकाल लीजिए अगर पॉसिबल है तो, इंडेक्स अगर आप निकाल रहे हो और इंडेक्स अगर किसके बराबर आ गया, दो के बराबर, तब वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। आगे इसमें लिखेंगे इंप्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इंप्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इंप्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें क्या होगा देखो, लेट लेट एन, लेट जी बी ए ग्रुप, ये लिख लीजिए, लेट जी बी ए ग्रुप, देन देन इसके दो सब ग्रुप, एक तो कौन सा खुद जी और एक कौन सा आइडेंटिटी, ये दोनों सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल बनेंगे, आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप्स। क्योंकि आपको पता है कि जी अगर ग्रुप है तब एक तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसका ग्रुप बनता है और जी भी क्या बनता है, ग्रुप बनता है, यानी कि जी और ई हमेशा दो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करेंगे ही जी के निश्चित रूप से, और ये दोनों सब ग्रुप नॉर्मल भी होंगे क्योंकि जी के अंदर जी का कोई भी एलिमेंट लो भाई, आप जी में ए ऑपरेट करो या जी में इधर ए ऑपरेट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वापस जी ही आने वाला है क्योंकि जी के ही एलिमेंट ले रहे हो, जी का एलिमेंट आपको पता है कि ए एच इक्वल टू किसके होगा, एच के, अगर एच ग्रुप बनता है तो ये वापस जी ही आएंगे। तो लेफ्ट और राइट कोसेट इस केस में हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो या तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट से ग्रुप बन रहा है, सब ग्रुप बन रहा है, या फिर जी, ये दोनों हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है, जी के, और इन दोनों को अपन कहते हैं इंप्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, दीज आर कोल्ड, तो एक तो जी और दूसरा ई, आर कोल्ड, आर कोल्ड इंप्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, इंप्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद लिखिए प्रॉपर, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, नेक्स्ट है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होंगे देखो, द सब ग्रुप्स, द नॉर्मल सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी अदर देन जी एंड ई, अदर देन ई एंड जी आर कोल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, आर कोल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। तो जी के अलावा जो भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर कहलाएंगे, और जी और ई अगर बन रहे हैं केवल तब ये क्या कहलाएंगे, इंप्रॉपर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर और इंप्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स की डेफिनेशन। इसी में एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सिंपल ग्रुप,
सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप। इसके अंदर लिखो इफ इफ नो प्रॉपर सब ग्रुप, इफ नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी एग्जिस्ट, देन जी इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करे, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करे, तब वो यानी कि जी और ई तो हमेशा होगे भाई, जी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट से जो बनेगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा खुद जी का, लेकिन इनके अलावा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तब ग्रुप जी क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल ग्रुप के, एग्जाम्पल बताइए, कोई भी एग्जाम्पल दो सिंपल ग्रुप का। अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या हो जाए बताओ, अगर ऑर्डर ऑफ जी में क्या ले लूं जो सिंपल ग्रुप बनेगा, हाँ थ्री ले सकते हो, या मैं सिंपली ये लिख देता हूं प्राइम, प्राइम नंबर अगर ले अपन, क्या ले प्राइम नंबर, अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम नंबर है तब ये सिंपल ग्रुप बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके सब ग्रुप जब आप बनाओगे, सपोज एच सब ग्रुप है जी का, मान लेते हैं एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का, तब ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू क्या हो सकते हैं बताओ, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी है तब इसके सब ग्रुप के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल वन हो सकता है या फिर पी हो सकता है, क्योंकि लैग्रांज थ्योरम आपने पढ़ी है, लैग्रांज थ्योरम में आपने पढ़ा है कि सब ग्रुप के ऑर्डर का पूरा पूरा भाग किसके अंदर जाना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर के अंदर जाना चाहिए। तो अगर प्राइम नंबर आप ले रहे हो तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है भाई, पी के अंदर या तो वन का भाग जाएगा या फिर खुद पी का भाग जाएगा, इसका मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर केवल वन हो सकता है या पी हो सकता है, इसके अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। और अगर ऑर्डर वन बनेगा तब तो क्या बनेगा, इसके करस्पोंडिंग आइडेंटिटी एलिमेंट की सहायता से सब ग्रुप बनेगा। ऑर्डर अगर पी बन गया तो जी के बराबर ही हो गया ये तो, क्योंकि जी का ऑर्डर पी है तो जी बन गया। यानी कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तब उसके दो पॉसिबल सब ग्रुप या तो आइडेंटिटी एलिमेंट से बनेगा या फिर खुद जी होगा, इसके अलावा कोई भी सब ग्रुप होंगे नहीं, यानी कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब ग्रुप क्या कहलाएगा, जी सिंपल ग्रुप कहलाएगा। तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तब वो क्या बनेगा, सिंपल ग्रुप बनेगा। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स अपन लिखें, एग्जाम्पल्स सपोज ये मैं लिखूं G इक्वल टू, सपोज ये ग्रुप मैंने ले लिया G इक्वल टू वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप मेरे पास है। सब ग्रुप मैंने इसका ले लिया H इक्वल टू वन कोमा माइनस वन, ठीक है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है दोनों में, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन। आप मुझे बताइए क्या एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है भाई, सबसे पहले तो एच क्या बनना चाहिए, सब ग्रुप बनना चाहिए, तो अपन सब ग्रुप तो इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एच को जी का सब ग्रुप, जब सब ग्रुप अपन ने पढ़े थे वहां देखा था कि ये सब ग्रुप बन रहा था, क्योंकि वन और माइनस वन दो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, वन और माइनस वन को ऑपरेट करेंगे तो माइनस वन आएगा जो वापस इसी सेट में है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी, वन का इनवर्स माइनस वन होगा, माइनस वन का इनवर्स प्लस वन होगा, इसका मतलब यहां पर या वन का इनवर्स प्लस वन होगा, माइनस वन का इनवर्स, क्योंकि यही तो होता है माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करें जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो माइनस वन से करना पड़ेगा, तो माइनस वन का इनवर्स माइनस वन और वन का इनवर्स वन हो गया, तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है इसलिए सब ग्रुप बनेगा। नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं बताओ, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा क्या, एच जी का सब ग्रुप तो है,
नॉर्मल सब ग्रुप देखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, यहां पर तो आप इसी तरह से देख सकते हो, इसके अंदर तो ये अपन देख लें, इंडेक्स निकाल लें किसका, एच का, जी के अंदर देखो क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, जी का ऑर्डर कितना है 4, एच का ऑर्डर क्या है 2, इक्वल टू किसके आ गया 2 के। और आपको पता है किसी भी सब ग्रुप का अगर ग्रुप के अंदर इंडेक्स 2 आ रहा है तब क्या होगा, एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन इंडेक्स अगर 2 नहीं आ रहा है उस केस में फिर प्रूव करना पड़ेगा उसको, आप प्रॉपर तरीके से उसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स आपको निकालने पड़ेंगे सारे, और फिर देखना पड़ेगा कि हरेक जी के हरेक एलिमेंट के करस्पोंडिंग एच के लेफ्ट और राइट कोसेट्स सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से एक और ग्रुप अगर मैं लिखूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज सिमेट्रिक ग्रुप में ले लूं, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप सपोज मैंने S3 ले लिया, S3, और इसका मैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ले लेता हूं, तो आपको पता है S3 का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर आता है 6 के बराबर, A3 का ऑर्डर किसके बराबर आता है 3 के बराबर, क्योंकि S3 क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है इसका ऑर्डर तो, और इसका फैक्टोरियल n/2 होता है, अल्टरनेट ग्रुप जो इवन परम्यूटेशन से बनता है। तो जब अपन इंडेक्स देखेंगे S3 के अंदर किसका, A3 का, जब इंडेक्स आप निकालोगे तो वो ऑर्डर ऑफ S3 यानी 6 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3 3 इक्वल टू किसके आ गया 2 के, इसका मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप जो A3 है वो S3 का क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स अपन इसमें देख सकते हैं। तो और फिर आगे अभी एक और इंपॉर्टेंट अल्टरनेट डेफिनेशन अपन इसमें करेंगे, तो उससे पहले एक थ्योरम यहां पर अपन प्रूव करने जा रहे हैं, तो लिखिए एक थ्योरम, थ्योरम प्रूव दैट इस सब ग्रुप कैपिटल एन ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन एंड एवरी जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी जी इनवर्स एन जी बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, ये आपको प्रूव करना है। तो किसी भी ग्रुप के नॉर्मल होने की कंडीशन ये है कि कैपिटल जी का कोई भी एलिमेंट आपने स्मॉल जी ले लिया, कैपिटल एन का कोई भी एलिमेंट स्मॉल एन ले लिया, तब ये जो एलिमेंट बनेगा जी इनवर्स एन जी ये कैपिटल एन में आ जाना चाहिए। अगर ये एलिमेंट कैपिटल एन में आ गया तब जी नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूव करने के बाद ये एक कंडीशन आपके पास आ जाएगी, इसकी सहायता से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब भी किसी सब ग्रुप को नॉर्मल प्रूव करना है ये कंडीशन हम उसमें काम में ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि एन जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तब प्रूव करेंगे कि एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, जी इनवर्स एन जी किसमें होगा, कैपिटल एन में होगा। तो फर्स्ट सपोज दैट एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो एन अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तब क्या होगा, दिस इंप्लाइज कैपिटल एन जी इक्वल टू जी कैपिटल एन, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से कि अगर कैपिटल एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तब कैपिटल एन के
जी के अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ये आ गया फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी. लेट लेट स्मॉल एन जी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन जी, लिख सकते हैं वेयर स्मॉल एन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन. आप देखो कैपिटल एन जी का अगर एलिमेंट लिखोगे तो किस टाइप के बनेंगे, एक एलिमेंट कैपिटल एन का होगा और जी ऑलरेडी एलिमेंट चल ही रहा है अपने पास, तो स्मॉल एन जी किसके अंदर होगा, स्मॉल एन हो गया कैपिटल एन के अंदर और जी अपन ने फिक्स पॉइंट ले रखा है कैपिटल जी का, तो एन जी बिलोंगिंग टू कैपिटल एन जी, इस तरह से हम लिख सकते हैं. और एन जी किसके बराबर है, जी इंटू कैपिटल एन दे रखा है आपको, यानी कि क्या बना यहां से, दिस इंप्लाइज एन जी, एन जी इज एलिमेंट ऑफ जी एन, एन जी इज एलिमेंट ऑफ जी एन, भाई एन जी कैपिटल एन जी का एलिमेंट है लेकिन कैपिटल एन जी जी एन के बराबर है, इसलिए एन जी जी एन के अंदर भी आ गया. सो देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट जी एन वन बिलोंगिंग टू जी एन सच दैट एन जी इक्वल टू जी एन वन, ठीक है, वेयर एन वन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन. क्यों लिखा है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये एलिमेंट जी एन के अंदर आ रहा है, जी एन के अंदर, तो ये एलिमेंट अगर जी एन के अंदर आ रहा है लेकिन जी एन के अंदर तो इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, भाई पहले जी आ रहा है बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो जी एन इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि एन जी भी इसमें, तो एन जी किसी ना किसी इस टाइप के एलिमेंट के बराबर होगा क्योंकि इसके अंदर तो सारे इस तरह के एलिमेंट है, तो अगर ये एलिमेंट जी एन के अंदर आ रहा है तो कोई ना कोई एलिमेंट जी एन वन यहां ऐसा है जिसके बराबर ये क्या होगा, एन जी होगा, क्योंकि एन जी इसके अंदर आ रहा है तो इस टाइप का बनने वाला है वो, एन जी इक्वल टू जी एन वन, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है. और दिस इंप्लाइज अब देखिए जी इनवर्स एन जी में लेकर चल रहा हूं, जी इनवर्स एन जी, क्यों, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि जी इनवर्स एन जी किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का एलिमेंट है, तो जी इनवर्स एन जी में लेकर चल रहा हूं, जी इनवर्स एन जी इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू जी इनवर्स और एन जी इक्वल टू क्या ले सकता हूं मैं, जी एन वन, एन जी इक्वल टू किसके लिख दिया मैंने, जी एन वन के, विच इज इक्वल टू जी इनवर्स जी और इंटू एन वन, जी इनवर्स जी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये क्या आ गया, एन वन, एन वन किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का एलिमेंट, यानी कि जी इनवर्स एन जी किसके बराबर हो गया, एन वन के बराबर जो कैपिटल एन में है, तो यहां से आप लिख सकते हैं जी इनवर्स एन जी बिलोंगिंग टू कैपिटल. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि अगर एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तब जी इनवर्स एन जी किसके अंदर होगा, कैपिटल एन के अंदर होगा, जहां फॉर ऑल जी एलिमेंट किसका है, कैपिटल जी का और एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन. तो फर्स्ट पार्ट इसका थ्योरम का प्रूव कर दिया हमने, क्या प्रूव करना था, नॉर्मल सब ग्रुप हम लेकर चले तब प्रूव किया है फॉर एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, जी इनवर्स एन जी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल एन का. कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्सली तो कन्वर्स में देखो क्या लेकर चल रहे हैं अपन, लेट एन एन बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, अब सब ग्रुप मानकर चलेंगे और इसको नॉर्मल सब ग्रुप हमें प्रूव करना है, लेट एन बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी such that for all g belonging to capital g, n belonging to capital n, g inverse ng is element of capital
ये अपन ने मान लिया कन्वर्स पार्ट में, ये लेकर चल रहे हैं कि जी इनवर्स एन जी किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का। तब हमें प्रूव करना है कि कैपिटल एन जी का क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो कैपिटल एन को जी का मुझे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो किस तरह करेंगे देखो। लेट ए इज एलिमेंट ऑफ जी, सपोज ए जी का कोई भी एलिमेंट है, देन फॉर एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, अगर ए मैं जी के अंदर ले रहा हूं और एन कैपिटल एन के अंदर ले रहा हूं, दिस इंप्लाइज क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स एन ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन। ऊपर जो डेफिनेशन है देखो, जो मानकर चल रहा हूं मैं, अगर जी कैपिटल जी में है, एन कैपिटल एन में है, तब जी इनवर्स एन जी एन में होगा। मैं अगर जी की जगह ए ले लूं कि ए जी का एलिमेंट है, एन कैपिटल एन का एलिमेंट है, तब ए इनवर्स एन ए किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल एन का एलिमेंट होगा। आल्सो एन ए स्मॉल एन ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन ए, क्योंकि स्मॉल एन किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का। तो कैपिटल एन ए का एलिमेंट इस टाइप का होगा, स्मॉल एन ए बिलोंगिंग टू कैपिटल एन ए, ये मैंने कंसिडर किया। दिस इंप्लाइज एन ए इक्वल टू, किसके लिख सकता हूं मैं, एन ए इक्वल टू ये मैं ले सकता हूं देखो, ए इनवर्स और एन ए लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ए इनवर्स तो क्या होगा, आइडेंटिटी। ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को एन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस एन ए आ जाएगा। तो एन ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, विच इज इक्वल टू ए इंटू, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप चल रहे हैं, तो ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ए इंटू ए इनवर्स एन ए में लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू ए इंटू एन वन, जहां मैंने एन वन किसके बराबर मान लिया, ए इनवर्स एन ए के बराबर, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल एन का एलिमेंट है। देखिए ऊपर, ए इनवर्स एन ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का एलिमेंट है, तो इसको सपोज मैंने स्मॉल एन वन मान लिया, क्योंकि कैपिटल एन के एलिमेंट्स को इस टाइप का ले सकता हूं मैं, स्मॉल एन वन, यानी कि एन ए किसके बराबर आ गया, ए एन वन के बराबर, ठीक है। और दिस एलिमेंट ये किसका एलिमेंट बनेगा बताओ, ये एलिमेंट किसका बनेगा, ए कैपिटल एन का, किसका एलिमेंट बना, ए कैपिटल एन का एलिमेंट, क्योंकि ए इधर फिक्स हो गया और एन वन किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का, तो ए एन वन कैपिटल एन का एलिमेंट बन गया, यानी कि एन ए, यहां से अपन लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एन ए इज एलिमेंट ऑफ ए एन, क्योंकि एन ए को मैं लेकर चला हूं, एन ए को मैं फाइनली इसके बराबर प्रूव कर दिया, और ये किस में आ गया, ए एन में, तो ये एलिमेंट अगर ए एन में है तो ये भी ए एन में होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एन ए बिलोंगिंग टू ए एन, और एन ए को कहां लेकर चले थे, सो एन ए बिलोंगिंग टू, एन ए को मैं कहां लेकर चला था, कैपिटल एन ए के अंदर, स्टार्टिंग में देखो, स्मॉल एन ए को मैंने कहां कंसिडर किया था, कैपिटल एन ए के अंदर, यहां पर ये स्मॉल एन ए को मैं कैपिटल एन ए के अंदर लेकर चला, और अब मैंने प्रूव कर दिया क्या, कि स्मॉल एन ए, दिस इंप्लाइज स्मॉल एन ए बिलोंगिंग टू ए कैपिटल एन, यानी कि एन ए के अंदर लेकर चले, ए एन के अंदर ले आए, दिस इंप्लाइज एन ए इज सबसेट ऑफ ए एन, एन ए इज सबसेट ऑफ ए एन, ये मेरे पास हो गया। और सेम इसी तरह से सिमिलरली अपन क्या करेंगे, ए एन के अंदर लेकर चलें और किसके अंदर ले आए एलिमेंट को, एन ए के अंदर, सेम इसी प्रोसेस से ला सकते हैं, तो मैं उसको सिमिलर वे में लिख रहा हूं, सिमिलरली वी कैन प्रूव ए एन किसका सबसेट बन जाएगा, एन ए का, और अगर इन दोनों को मर्ज करें, देन वी हैव ए एन इक्वल टू एन ए, ए बिलोंगिंग टू जी, ए बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। और ए जी का क्या है, आर्बिटरी एलिमेंट है, यानी कि जी के हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू होगा। अब जी के हर एक एलिमेंट के करस्पोंडिंग कैपिटल एन का लेफ्ट कोसेट, कैपिटल एन का राइट कोसेट बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज
एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम अपने पास आ गई, ये थ्योरम अपन ने की है कि एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ जी इनवर्स, जी इनवर्स एन जी, जी इनवर्स एन जी बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, जहां जी तो किसका एलिमेंट है कैपिटल जी का, एन किसका एलिमेंट है कैपिटल एन का। ये थ्योरम अपन ने प्रूव किया, सबसे पहले मान लिया था कि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तब ये एलिमेंट एन के अंदर होगा। कन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया कि जी इनवर्स एन जी कैपिटल एन के अंदर है, तब हमने ये प्रूव कर दिया कि एन किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साथ ही इसका जो रिजल्ट है वो आगे जब एग्जाम्पल्स अपन करेंगे उसमें लगातार अब आप ये कर सकते हो, जब भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, यहां से आगे अब अपने पास रिजल्ट आ गया, सपोज आपके पास एन सब ग्रुप दे रखा है जी का, आपको प्रूव करना है कि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या करोगे, एन का एलिमेंट कैपिटल एन का एक स्मॉल एन कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, जी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या ले लिया जी स्मॉल जी, तब क्या प्रूव क्या निकालेंगे अपन, जी इनवर्स एन जी इस एलिमेंट को लेकर चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि यह एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है एन के अंदर। ये एलिमेंट अगर कैपिटल एन में आ गया तब एन जी का क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको इस थ्योरम की सहायता से अब तीन डेफिनेशन अपने पास हो गई एक तरह से। कितनी डेफिनेशन हो गई, तीन डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप्स की। क्या क्या हो गई, फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई थी कि फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू, या फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी एन जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी एन होना चाहिए। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकंड क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन किसके बराबर आ जाना चाहिए, टू के बराबर, तब भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या आ गई मेरे पास कि जी इनवर्स एन जी किसका एलिमेंट हो जाना चाहिए, एन का हो जाना चाहिए, जहां जी कैपिटल जी के अंदर है स्मॉल एन कैपिटल एन के अंदर है। अगर ये एलिमेंट आर्बिटेरी एलिमेंट एन के अंदर आ रहे हैं इसका मतलब कैपिटल एन क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स की आ चुकी है। नेक्स्ट एक और इसमें थ्योरम लिखिए आप, नेक्स्ट थ्योरम प्रूव दैट every subgroup of an abelian group of n, abelian group is normal। तो एक और important condition आ रही है, सपोज जी कोई भी ग्रुप है, जी कोई भी क्या है ग्रुप जो क्या है अबेलियन है, सपोज जी इज अबेलियन ग्रुप। तो जी अगर अबेलियन ग्रुप है तब इसका कोई भी सब ग्रुप अपन कंसीडर करें, इसका कोई भी सब ग्रुप अगर अपन लेंगे, लेट एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ये मैंने ले लिया, लेट या कोई भी सब, सपोज लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी ये मैंने मान लिया, जी अबेलियन ग्रुप है, एच जी का कोई भी सब ग्रुप है, तब क्या प्रूव करना है मुझे कि एच नॉर्मल होगा। यही तो थ्योरम है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप आप बनाओगे वो हमेशा नॉर्मल बनेगा। तो मुझे प्रूव करना है कि एच क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर सब ग्रुप है तो अब इसको नॉर्मल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे अपन मान लेते हैं, सपोज जी, लेट जी इज आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी एंड सपोज स्मॉल एन इज आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ एच, ऑफ एच, तब क्या लेकर चलोगे आप, जी इनवर्स एन जी, जी इनवर्स एन जी ये एलिमेंट किसके अंदर आ जाना चाहिए, कैपिटल एच के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, ये जी इनवर्स एन जी को मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू। और एक चीज और आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर जी इनवर्स एन जी एलिमेंट कैपिटल एन के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये जी इनवर्स
एन जी किसका एलिमेंट था? कैपिटल एन का, ये मेरे पास था। तब इसकी जो कंडीशन है जी एन जी इनवर्स, ये कंडीशन भी मैं काम में ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं? देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट अगर ले रहे हो जी, कैपिटल जी का, और एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, तब वो इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अगर जी कैपिटल जी का एलिमेंट है, तब जी इनवर्स भी तो कैपिटल जी में होगा। जी इनवर्स भी किसका एलिमेंट बनेगा? कैपिटल जी का। तो जी इनवर्स भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जी इनवर्स भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जी की जगह ऊपर जी इनवर्स लिख सकते हो इसमें। तो जी की जगह जब जी इनवर्स लिखोगे, तो जी की जगह मैंने जी इनवर्स लिखा और इसका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। फिर क्या है? एन है, और जी की जगह क्या लिख दिया मैंने? जी इनवर्स। इक्वल टू जी इनवर्स का इनवर्स करोगे तो क्या आ गया? जी, और ये आ गया एन जी इनवर्स। तो किस में आ गया? ये एन में, क्योंकि जी को मैं जी इनवर्स से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई कैपिटल जी के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो जी इनवर्स के लिए भी ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये अपने पास है, ठीक है। तो जी इनवर्स एन जी को आप कैपिटल एन में ला सकते हो, या जी इसको भी ला सकते हो, जी एन जी इनवर्स इसको भी अपन इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जी एन जी इनवर्स को भी अपन कैपिटल एन के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो दोनों ही केसेज में है, जो थ्योरम अपने पास ऊपर अपन ने लिखी है, जी इनवर्स एन जी वाला कॉन्सेप्ट भी काम में ले सकते हो, जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया है, जी एन जी इनवर्स भी काम में ले सकते हो, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया कि जी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो जी के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, आर्बिटेरी एलिमेंट है, तो जी इनवर्स को जी की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से किस थ्योरम में क्या काम में लेना है। तो जी एन जी इनवर्स अगर आप लें, तो इक्वल टू इसके मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, जी एन और इन टू किसके हो जाएगा? जी इनवर्स के। जी एन इन टू जी इनवर्स। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एन जी इन टू जी इनवर्स। क्यों? क्या लिखा मैंने? जी एन इक्वल टू एन जी। क्यों? क्योंकि जी किसका एलिमेंट है? कैपिटल जी का। एन किसका एलिमेंट है? कैपिटल एच का। इसका मतलब, और एच किसका सबसेट है? जी का। तो एन जी का भी तो एलिमेंट है, यानी कि जी और एन दोनों ही कैपिटल जी के एलिमेंट हैं। और कैपिटल जी क्या दे रखा है हमें? अबेलियन ग्रुप दे रखा है। अगर कैपिटल जी अबेलियन ग्रुप है, तब इसके कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो ए बी इक्वल टू किसके होगा? बी ए के। कम्यूट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो जी एन इक्वल टू किसके हो जाएगा? एन जी के। इसलिए जी एन इक्वल टू किसके लिख दिया मैंने? स्मॉल एन जी के। इक्वल टू एन, और ये क्या हो गया? जी जी इनवर्स विच इज इक्वल टू एन। एन किस में लिया है मैंने? एच में। एन किसके अंदर लिया है? एच के अंदर। यानी कि जी एन जी इनवर्स किस में आ गया? एच में। तो ये मेरे पास आ गया जी एन जी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, और एच के अंदर अगर ये एलिमेंट आ गया, तो एच क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अबेलियन ग्रुप आपको दे रखा है, तब उसका हरेक सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल बनेगा। हरेक सब ग्रुप नॉर्मल बनेगा। इसको आप उस फॉर्म में भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। जी इनवर्स एन जी लेकर भी कर सकते थे आप इसको, क्या हो जाता? जी इनवर्स क्या हो गया? एन जी। अब एन और जी दोनों कैपिटल जी के तो एलिमेंट होंगे, इसलिए, और कैपिटल जी क्या है? अबेलियन। तो इसको क्या लिख सकते थे अपन? जी एन, ये आइडेंटिटी। तो एन किस में आ जाता है? एच में। तो दोनों ही तरह से हो सकती थी थ्योरम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये प्रूव करना है आपको, तो आप जी एन जी इनवर्स को एन में दिखा सकते हैं, या जी इनवर्स एन जी को एन में दिखा सकते हैं। दोनों ही चीजें ट्रू हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं किया अपन ने। यहां जी एलिमेंट लिया है कैपिटल जी का, लेकिन हम कहते हैं कि हर एक एलिमेंट होना चाहिए, तो जी इनवर्स भी तो कैपिटल जी का एलिमेंट है, तो जी इनवर्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां जब उसको रखोगे, तो वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप्स के कुछ रिजल्ट्स अपन ने किए हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स की डेफिनेशंस, नॉर्मल सब ग्रुप्स से रिलेटेड कुछ एक दो थ्योरम्स अपन ने यहां पर देखी हैं। इससे आगे का अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।